ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस शुरू करें। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? शुड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या डेफिनेशन रहेगी, समझना बात को। इफ ए केमिकल रिएक्शंस रेट एक्सप्रेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हैविंग पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इज जीरो कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन और इजी करते हैं। इन रेट एक्सप्रेशंस लिखते जाओ, इन रेट एक्सप्रेशंस द समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इज जीरो कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बहुत सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल रेट एक्सप्रेशंस में ले रहा हूं, रेट एक्सप्रेशंस और ऑर्डर आपको बताना है। आर इक्वल टू मैंने लिया के ए टू की पावर 1 और बी टू की पावर -1। आर इक्वल टू के ए टू की पावर -1/2 और बी टू की पावर +1/2। और R इक्वल टू के ए टू की पावर सीधा 0 और B2 है ही नहीं, इसका मतलब B2 रिएक्टेंट ही नहीं है। और एक और R इक्वल टू के ए टू की पावर 2, B2 की पावर 1 और C2 की पावर ये -1। इन सब में ऑर्डर कितना है? 1 -1 0, -1/2 +1/2 0 0 0। कुछ कुछ समझ में आया? तो इन सब में ही आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? जीरो। मैंने सिर्फ एक ही केस की स्टडी कर रहा हूँ और वो है मेरी स्टडी ये वाली, जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो। ज़्यादा रिएक्टेंट मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर ए कन्वर्ट हो रहा है बी, या ए टू कुछ भी ले लो, वो तो रिएजेंट का नाम है, ए या ए टू या ए थ्री कुछ भी लो, मैंने ए ले लिया। तो बताइए इसके लिए केस स्टडी कर रहे हैं और ये के दे रखा है। तो के यहां पर क्या है? रेट कांस्टेंट। किसका? रिएक्शन का या रिएक्टेंट का? किसी का भी हो सकता है, क्योंकि कॉफिशियंट क्या है यहां पर? 1। तो जब कॉफिशियंट 1 हो तो रिएक्शन का कांस्टेंट और रेट का, वो रिएजेंट का कांस्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट सब बराबर होगा, क्योंकि उसका कॉफिशियंट भी 1 है। बोलो यस और नो, समझ में आ गई? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो। तो अगर आपसे पूछा जाए आर ए की वैल्यू क्या होगी, तो के ए की पावर क्या लगाओगे? 0। सही है, पक्का? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अगर यहां पर ट्वाइस ए होता, आर ए की वैल्यू क्या होती है? के या के बाई टू या टू के? जोर से बोलो, टू के। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्शन के ऊपर लिखा जाता है वो रिएक्शन का होता है। जो भी एरो के ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर, वो किसका होता है? रिएक्शन का। और रिएक्शन से रिएक्टेंट का निकालना हो तो हमेशा ज्यादा होगा, कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा बताओ जल्दी से? 2k। हाँ या ना? अगर यहां पर 3a होता तो 3k। यस और नो? जिसका कॉफिशियंट ज्यादा उसका रेट एंड रेट कांस्टेंट ज्यादा, बचपन में ही पढ़ा है। और हमेशा सबसे कम किसका होता है? रिएक्शन का। रेट सबसे कम किसकी होती है? रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट सबसे कम किसका होता है? रिएक्शन का, क्योंकि उसका कॉफिशियंट बाय डिफॉल्ट 1 ही मानते हैं। रिएक्टेंट के तो 1 2 3 कुछ भी हो जाए। कुछ को समझ में आया? हाँ,
ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छे बच्चों की बात यह है कि जल्दी समझ जाते हैं। अब बताओ आरे की जगह क्या लिखूंगा? तो के ए की पावर 0 क्या हो गया? 1। तो बताइए थोड़ी सी मेहनत कर लो। डिफरेंशिएशन करना मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इंटीग्रेशन उससे भी ज़्यादा। के को इधर लाया और डी टी को उधर ले गया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से डी वाला साइन हट जाता है, ऐसा बचपन में सीखा है। बोलो यस और नो? अगर मेरे को डिफरेंशिएशन साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, लेकिन डी टी को उधर ले जाके फिर। तो कर लिया आपने। अब बताओ इंटीग्रेशन भी हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा, डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट, काम आसान हो जाता है। लिमिट लगा दो, टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है? ए नॉट। और टी इक्वल टू टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है? ए टी। तो बता 1 बाई, अगर तेरे को के वहां रखना है ना तो वहां पर भी रख ले, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तेरे को, कॉन्स्टेंट है वो। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? के टी, टी 0 टी रहेगा पावर। यहां डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीए ए, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए टी, माइनस तो ये रखा है, ए टी माइनस ए नोट। अब आप मेरे को बताओ ये माइनस अंदर गया, ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू क्या आएगी? के टी। वेयर ए नोट क्या है, जोर से बोलो। इनिशियल कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए। ए टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशंस ऑफ ए। टी क्या है? टाइम। और के क्या है? रेट कांस्टेंट। चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिए, सही है। मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 KT, क्योंकि वो 2K चलेगा। बोलो यस और नो? डायरेक्ट कैसे लिख दिया? जादू से, क्योंकि हर जगह 2K चलेगा। बोलो यस और नो? तो लिखो, थोड़ा सा लिख लो, फिर और मेहनत कराता हूँ मैं आपसे। तो मैं आपसे एक और चीज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। ये तो हमारे लिए कहलाएगा, ये तो कहलाता है रेट एक्सप्रेशंस, और ये कहलाता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। ये कहलाता है हमारे लिए रेट एक्सप्रेशंस, और ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, यानी इंटीग्रेशन के होने के बाद जो आ रहा है वो है पक्का। तो आपको तो सब चीजें मालूम है। एक और टर्म आपके साथ इंट्रोड्यूस होने वाली है, और उसका नाम है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की क्या डेफिनेशन होगी? हाफ लाइफ, भगवान ने मेरे को बता रखा है तू 200 साल जिएगा, ज्यादा नहीं। तो बताओ मेरी हाफ लाइफ कितनी है? 100। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो कैसे बात करेंगे? कोई भी सब्सटेंस अपना एक इनिशियल अमाउंट लेके चलेगा। मान लीजिए किसी का इनिशियल अमाउंट ए नोट है। क्या है? ए नोट। तो वो टाइम जब एन टी की वैल्यू ए नोट बाई 2 हो जाए, यानी हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ लाइफ कहलाएगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ? इट इज द रिक्वायर्ड टाइम फॉर द सब्सटेंस, द गिवन सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। तो लिखें इसको, इट इज द रिक्वायर्ड टाइम फॉर कन्वर्ट गिवन सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ ऑफ इनिशियल।
ये अमाउंट हाफ होना चाहिए, ये अमाउंट किस में लेना चाहिए, मोल में, मास में या कंसंट्रेशन में, या किसी में भी लो चलेगा, किसी में भी लो चलेगा। भाई अगर मेरा मास हाफ होता था तो मेरे मोल भी तो हाफ होंगे, यस और नो? क्योंकि मोलर मास तो चेंज होने से रहा। अगर किसी, मेरी कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी क्योंकि मोल हाफ हो रहे हैं, तो सब चीज़ें बराबर ही उसी रेशियो में कम होती है किसी की। इज दैट क्लियर? पर्टिकुलर एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो चलो बढ़िया है। तो इसका मतलब मुझे अगर कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, तो आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप रेट, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लोगे। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस क्या है आपके पास, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, सही है? और आपको क्या गिवन है, टी की वैल्यू टी वन बाई टू। हाफ लाइफ को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी वन बाई टू। कुछ लोग इसको टी पॉइंट फाइव से करते हैं, मना नहीं करता। कुछ लोग इसको, वन बाई टू भी तो पॉइंट फाइव हो गया, कुछ लोग इसको टी 50% भी करते हैं, मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ, पक्का? तो ये हमारे लिए हो गया टी टी हाफ। तो दूसरा पॉइंट, ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह, ए नोट बाय टू। दोनों वैल्यू रख दी, ए नोट माइनस ए नोट बाई टू, और के टी की जगह क्या लिख दूंगा, टी हाफ, ए टी की जगह ए नोट बाई टू। तो आपके पास ए नोट बाई टू बचेगा इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट बाय टू के, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, आपने ये लिख लिया यहां तक, चलिए ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो कि आपको बहुत जल्दी करने हैं, इजी इजी हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड हाफ लाइफ फॉर फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसने खुद ने कह दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तब आप दिमाग मत लगाना। ए कन्वर्ट फर्स्ट, इसके अंदर भी फर्स्ट, ए कन्वर्ट बी, और के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³, और ये दे रखा 0.1। यूनिट क्या बनेगी इसके अंदर, जीरो ऑर्डर के अंदर, वही मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पावर 1 − 0, 1 ही रह गया, पक्का? तो ये 0.1 मोल पर लीटर दे रखा है टी इक्वल टू जीरो पर, यानी ए नोट की वैल्यू है। तो बताएं टी हाफ क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? जिसको फॉर्मूला मालूम है वो तो डायरेक्ट करेगा टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय 2k, ए नोट की वैल्यू 0.1, 2k की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³। तो आंसर क्या होगा, 1/4 × 10⁻ प्लस, ऊपर चला जाएगा ना ये 3, एक मिनट, प्लस 3, बोलो सही है यार, सही है ना, मैंने गलती नहीं करी ना, बता देना। तो 1000 आ रहा है बटा 4, तो कितना आया आंसर, 250 सेकंड, इन सेकंड बस यही रहेगा कि मोल पर लीटर, बिल्कुल सही है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ऊपर से बोलो, यस और नो, कोई गड़बड़ी हो रही है क्या, कहाँ हो रही है बेटा? ओ हो, 0.1 भी तो है, ध्यान ही नहीं देते तुम, ध्यान दो अच्छे से, सही है ना, 25 आएगा, 0.1 भी है। एक और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सेकेंड, अगर ट्वाइस ए कन्वर्ट बी, और के दे रखा है 2 × 10⁻³, और ए नोट की वैल्यू दे रखी है 0.1, पहले समझ लो चलो इसको, एम मोल पर लीटर, एम का मतलब मोल पर लीटर,
तो बताओ हाफ लाइफ क्या होगी, फाइंड हाफ लाइफ। यहां पर भी यही था, टी क्या होगा। खैर वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करते वक्त जो लोग समझदार होते हैं वो टी हाफ की वैल्यू लिखते हैं ए नॉट अपॉन ट्वाइस के ए, हमेशा ए ही आता है। ये है फॉर्मूला। हमें के ए दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया है, रिएक्शन दिया हुआ है। तो बताओ ए नॉट अपॉन ट्वाइस टू के, रिलेशन ये बनेगा, के ए की वैल्यू टू टाइम्स हो जाएगी। या सुनो, तो जो लोग अप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। टी हाफ क्या हो जाएगा, ए नोट की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, के की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 सेकेंड। कोई दिक्कत, समझ में आया। एक और चीज, यानी हमने यहां पर जब डेरिवेशन लिखा था तो दोस्तों यहां पर एक कंसेप्ट जरूर लिखो कि ये के ए ही लिखो, जिससे गलती कभी नहीं हो। यहां पर भी क्या लिख दो, के ए के ए के ए, कंटिन्यू ए चलने दो शुरू से ही, इससे आपकी गलती होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर। अब आगे एक और एग्जाम्पल बन सकता है थर्ड, ए कन्वर्ट ट्वाइस बी, के की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 पक्का, और ये दे रखा है ए नोट की वैल्यू दे रखी है 0.1 एम, टी हाफ आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, एक मिनट सामने देख लो। टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट अपॉन ट्वाइस के ए, होती है या नहीं होती है। तो ए नॉट अपॉन ट्वाइस के नोट, ए नोट की वैल्यू कितनी है 0.1, 2 की वैल्यू 2, के ए की वैल्यू कितनी है, बस यही रहेगी क्योंकि कोफिशियंट यहां पर क्या है 1, उससे मतलब नहीं है बाहर क्या है। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 25 सेकेंड, ये एम सेकेंड इनवर्स था। ठीक है, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो क्वेश्चन बनाना और करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आ रही है बात समझ में। इसका कॉफिशियंट यहां पर 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं है, इसका कॉफिशियंट चेंज हुआ आपका आंसर फर्क पड़ेगा यहां। इज दैट क्लियर। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं, फोर्थ, 3a कन्वर्ट ट्वाइस b, के ए दे रखा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 ए नोट 0.1 एम, टी हाफ आपसे पूछा जा रहा है, पहले भी वही पूछा जा रहा था। बताओ आपका आंसर क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली के ए दिया है तो आप दिमाग मत लगाना, वही है। हाँ अगर आपको k दिया होता तो 3k करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, k ही बोल दिया उसने, k दे दिया ना, अब आंसर क्या होगा 0.1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 25 सेकेंड्स। यहां नहीं बोला गया था तो बाय डिफॉल्ट k रिएक्शन है, वो नहीं बोला जाता तो के रिएक्शन होता है। उतार लीजिए 3-4 क्वेश्चन सेम लैंग्वेज। ये जीरो ऑर्डर हमने रिएक्शन पढ़ा, लेकिन जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ कर्व हमारे अभी भी बाकी हैं। तो एग्जांपल करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, तो कर्व वाली प्रॉपर्टीज, कर्व्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट मैंने बनाया कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान से सुनना, मैंने बनाया ए वर्सेस टाइम। यहाँ
ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बोलना पड़ेगा, और ये आर इक्वल टू के ए की पावर जीरो है, यानी जीरो ऑर्डर है, तो ए की वैल्यू, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, कम होगी। लेकिन किस तरह से कम होगी, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है स्लोप, एक होता है बहुत ज़्यादा स्लोप। तो मैं सिंपल से बात करता हूँ कि मुझे मालूम क्या है, मुझे ये मालूम है ए टी की वैल्यू ए नॉट माइनस के टी। तो ए टी यहाँ पर क्या है, ये ए टी है हमारे लिए, ए टी हमारे पास क्या है, जल्दी से बोलो, वाई एक्सेस। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस एम एक्स प्लस सी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये बोलो यस और नो। अरे वाह, तो ये हमारे लिए थीटा हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह, के या माइनस के, क्योंकि मैंने इधर से लिया है तो माइनस तो मैं ले ही नहीं सकता, दोनों तरफ से घट गया पक्का। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, माइनस के, लेकिन थीटा इधर से लिया है, तो बात ही कि मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, के। यस और नो, यस, वेरी गुड। तो तुम सब इंटेलिजेंट हो, अच्छे समझ में आ गया, ये हमारे पास स्लोप हो गया, क्या ये टच करेगा जीरो पे, हाँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहीं ना कहीं जीरो पे टच करता है, वो तो हाइपरबोला होता या इस तरह का होता तो फिर हम नहीं करते, उधर भी करेगा टी इक्वल टू पे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट। इज दैट क्लियर? अब मैं अपनी तरह से क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, ट्वाइस ए कन्वर्ट बी, ट्वाइस ए कन्वर्ट बी, ए टी की वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखा है, ये 45 डिग्री। फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप मेरे साथ आ जाएं। हम जानते हैं डीए बाई डी टी, जो भी हमारे पास होता है स्लोप आता है इस जगह, डीए बाई डी टी क्या होगा, स्लोप माइनस के ए चलेगा, बोलो यस और नो, के ए चलेगा या के रिएक्शन चलेगा, के। और इस जगह वो वैल्यू आ रही है हमारे लिए 10 45, या तो उधर से दे तो वन जो भी है 180 में से 135 आएगा, लेकिन हम चाहते हैं 45 लिखना, तो ये हमारे पास हो जाएगा के। बोलो यस और नो, मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं सब जगह, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, वन, ये के ए है, और के रिएक्शन पता है क्या होगा, के ए से कम होगा, होगा या नहीं होगा, तो के ए बाय क्या करना पड़ेगा, टू, रिएक्शन हमेशा कम होता है, यस और नो, टू क्यों, कॉफिशियंट टू है, तो बताओ आंसर क्या होगा, 1/2, यूनिट क्या होगी, मोल, वो तो खैर हर जगह यहाँ पर यही चलता है, ए टी दे रखा है कैपिटल एम में और टी दे रखा है सेकंड में, तो क्या आंसर होगा, कुछ कुछ समझ में आया, तो आंसर क्या होगा इसका, 1/2 या 1/2, 1/2, मैं हमेशा बोला है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा सबसे कम होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है यार, पब्लिक इसको गलत करेगी, ऑप्शन बनाओ ए, आर इक्वल टू के ए की पावर जीरो, यही होता है, ये के ए होता है और ये आर ए होता है, ये गिवन है, 1, B ऑप्शंस, 2, C ऑप्शन 1/2, D ऑप्शंस नन, यूनिट मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल पर सेकेंड इनवर्स, सॉरी, आंसर क्या जाएगा, C। बच्चा 99% गलत करेगा, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ समझ में आया, एक और पॉइंट बन सकता है हमारा, लिखते जाओ।
अगला कंसेप्ट, एक कर्व हमने कर लिया, दूसरा अगर हमें कर्व बनाना है किसके बीच में, टी हाफ वर्सेस वर्सेस टी हाफ वर्सेस ए नोट, तो मैं इस कर्व को बनाने के लिए पहले आपकी की मदद मांगूंगा। आप क्या रिलेशन जानते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए नोट अपॉन 2 के ए, बोलो जानते हो या नहीं जानते। तो दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, डायरेक्ट का, दिख ही रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके कहने पर रिलेशन बना दिया किसकी के बीच में, टी हाफ वर्सेस ए नोट के बीच में ऐसा जा रहा है। तो बताइए थीटा ये है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह 1/2 KA होगी या नहीं होगी, होगी ना, बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस पे मैंने अगर क्वेश्चन बनाना चालू किया तो बस मैं रुकूंगा नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लूंगा, इजी सा लूंगा, एक रिएक्शन है ट्वाइस ए कन्वर्ट बी, अब टू लिखते लिखते अच्छा नहीं लग रहा, थ्री लिखते हैं, थ्री ए कन्वर्ट टू बी, बस खत्म, इतना सा दिया है। हैविंग ए रिलेशंस टी हाफ वर्सेस ए नोट, और के दिया हुआ है रिएक्शन एक्स, और दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड, बताओ कौन से ऑर्डर की है, जीरो, कैसे पता चला, के की यूनिट से, और टी हाफ वर्सेस कर्व को देख के भी पता लग रहा है जी जीरो है, दो दो तरह से पता लग रहा है, और थीटा दिया है आपको 45। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, आपको बहुत अच्छे से बन सकता है, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 KA ऐसा अपन ने पढ़ा है, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन 45 डिग्री, और के की वैल्यू कितनी है, टू इंटू 2x 3x, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या, रेट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होगी, 3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/6, कुछ कुछ समझ में आया, ये है हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन बनेगा ए 1, B 1/2, C 2/1, और D 1/6। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, डेली 100% बच्चा गलती करेगा, हम नहीं करेंगे, हम इंटेलिजेंट है ना, बोलो सही है। एक ऑप्शन 3/2 भी बना सकते हो, गलती तो है, पकड़ में आ गई बात, लिखो इसको